इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पासबुक को अपने फ़ोन से किस तरीके से निकाल सकते हैं और उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। चाहे एक महीना हो, दो महीना या एक साल, दो साल या जितने भी पुराने पासबुक को आप डाउनलोड करना चाहेंगे, आप बहुत ही आसानी के साथ उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पासबुक को डाउनलोड करने के लिए आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप में आएंगे और यहां आने के बाद एम पिन डालकर इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यहां आने पर मिनी स्टेटमेंट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे पासबुक का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 30 दिन का डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप 60 दिन या 90 दिन का डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप जो यहाँ पे दिया हुआ है इससे भी ज़्यादा दिन का देखना चाहते हैं, जैसे एक साल, दो साल या इससे भी पुराना पासबुक को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ डेट रेंज पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर 60 दिन को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। फाइनली आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा और इस तरीके से डाउनलोड लिखकर आ जाएगा। सो फाइनली इस तरीके से आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए आप यहाँ से बैक आएंगे और अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर को ओपन कर लेंगे। अपने फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर डाउनलोड्स के नीचे आपको पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपके पासबुक ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना सारा स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जितने भी आपने ट्रांसफ़र करे हैं। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पासबुक को देख सकते हैं या चाहे तो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं।